हेलो एंड वेलकम यू टू विज्ञान रिचार्ज। इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने इंसानों के वजूद को पूरी दुनिया से मिटाने का जो प्लान तैयार किया है, मतलब जो उसने खुद ही बता दिया है, हाँ जी छाती ठोक के बताया है, और उस प्लान को बनाने में हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद कैसे की है, इस सारी माथा पच्ची को डिस्कस करने से पहले जरा ये जान लो कि हमने AI को तैयार करके उसके हाथ में हथियार आखिर थमाया ही क्यों। 25 अक्टूबर 1962 क्यूबन मिसाइल क्राइसिस अपने चरम पे था। बोले तो दो पक्के यार अमेरिका और USSR करने के लिए न्यूक्लियर वॉर अस्ते बस्ते पैक करके थे पूरी तरह से तैयार। रात के 12 बजे का समय था। मिनीसोटा की एयरफील्ड को कोई लांघने की कोशिश करता है, भैया पहरेदार सिपाही गोलियां बरसा देता है। अब क्योंकि क्यूबन मिसाइल क्राइसिस चल रहा था तो अमेरिकी सैनिकों को ऐसा लगता है कि USSR ने उनकी एयरफील्ड पर हमला बोल दिया। वो हमले का अलार्म बजा देते हैं, लेकिन हड़बड़ी में न्यूक्लियर अलार्म बज पड़ता है। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वो अलार्म सिर्फ उसी सूरत में बजाना था जब अमेरिकी विमान को सोवियत यूनियन के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब गिराने के क्लियर आदेश मिल जाएं। लेकिन ये सब इतनी हड़बड़ी में हुआ था कि भैया पायलट अपना प्लेन लेकर न्यूक्लियर बॉम्ब जिसमें पहले से ही लोड थे रनवे पर दौड़ पड़ते हैं। कुछ अधिकारियों को सद्बुद्धि आई और उनमें से एक अपनी जीप लेकर रनवे पे दौड़ता है और प्लेन को उड़ने से मना करता है। शुक्र है कि सही समय पर प्लेन रुक जाता है। बाद में जब इंक्वायरी हुई तो पता लगा कि तारबंदी को लांघने की कोशिश एक भालू कर रहा था जो कि उस इलाके में पाए जाते थे। अब यहाँ पर आएगा आपके दिमाग में सवाल कि जी ये क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, मतलब अमेरिका और USSR की कुश्ती से AI का क्या लेना देना है? बिल्कुल है, सीधा सीधा है, सब समझाऊंगा, बस थोड़ी देर का सब्र रखो, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब इसके दो दिन बाद यानी 27 अक्टूबर 1962 को जब एक सोवियत सबमरीन पानी की सतह पर ऊपर आती है, अपनी बैटरी चार्ज करने को आती है, तब उसे अमेरिकन डिस्ट्रॉयर्स घेर के खड़े हो जाते हैं। अब ये अमेरिकन डिस्ट्रॉयर वहाँ पर कर क्या रहे थे? देखो जी, अमेरिका को था डर कि सोवियत यूनियन अपने न्यूक्लियर मिसाइल क्यूबा के अंदर पार्क कर देगा, तो इसीलिए अमेरिकन फ्लीट क्यूबा को पूरी तरह से घेर के क्वारंटीन कर देती है ताकि क्यूबा से ना तो कोई आए और ना ही कोई क्यूबा के अंदर जा पाए। अब क्योंकि ये सबमरीन मॉस्को के कांटेक्ट में नहीं थी तो भाई साहब सबमरीन के कप्तान साहब को ऐसा लगता है कि न्यूक्लियर वॉर शुरू हो गई और वो एक 10 किलो टन का न्यूक्लियर टॉर्पिडो अमेरिकन फ्लीट पर लॉन्च करने का आदेश दे देते हैं। बोले तो सत्यानाश की हो चुकी थी शुरुआत, लेकिन किस्मत से, हाँ जी किस्मत से, न्यूक्लियर टॉर्पिडो को लॉन्च करने के लिए 3 ऑफिसर्स की रजामंदी जरूरी थी जिनमें से एक ही तैयार था और इसी कारण की वजह से न्यूक्लियर टॉर्पिडो लॉन्च नहीं हुआ, नहीं तो तीसरा विश्व युद्ध तो शुरू हो ही चुका था। अब आप सोच रहे होंगे भालू तारबंदी पे लटक रहा है, न्यूक्लियर अलार्म बज रहा है, पर असली एक्शन कब होगा? भाई साहब होगा, बिल्कुल होगा। आज आपको AI से डर की ऐसी डोज दी जाएगी कि आप नींद में भी किल्लियां मारोगे। किल्लियां समझते हो ना? बिल्कुल समझते होंगे, आप तो वही समझदार। और अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, डर से निकलने वाली चीखों को किल्लियां कहते हैं। वैसे नाम पे मत जाना, काफी अजीब है। 1983 में सोवियत यूनियन के मिसाइल अर्ली वार्निंग सिस्टम ने अमेरिका से चलने वाली 5 मिसाइल को डिटेक्ट कर लिया। अब भाई साहब इसके जवाब में सोवियत यूनियन इस नतीजे पर पहुंचा कि इससे पहले कि अमेरिकन मिसाइल सोवियत धरती की तरफ आए, अपनी मिसाइल भी फायर कर दो। बोले तो बिल्कुल सीधा सिद्धांत था कि हम डूबे के नहीं डूबे सनम, ये देखने के लिए तुमको भी नहीं छोड़ेंगे सनम। अब भाई साहब जो लॉन्च कमांडर था, पता नहीं उसके दिमाग में क्या आया और उसने बटन दबाते दबाते नहीं दबाया, मतलब मिसाइल फायर नहीं करी, जबकि सोवियत यूनियन के मिलिट्री प्रोटोकॉल में ये लिखा था। प्रोटोकॉल समझते हो ना? अरे वो पोथी पत्रा जिसके अंदर सारे रूल्स रेगुलेशन लिखे रहते हैं, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कब करना है, कैसे करना है, लंबी चौड़ी गाथा। तो भैया उस किताब के हिसाब से इन्हें करना था न्यूक्लियर मिसाइल फायर और ये नहीं करते, और भला हो, हाँ जी भला हो ना करा, क्योंकि अगर ये कर देते तो आप तो जानते ही हो तीसरा विश्व युद्ध तय था, क्योंकि इनके अर्ली वार्निंग सिस्टम में माल फंक्शन की वजह से झूठी अफवाह उड़ा दी कि मिसाइल आ रही है, ऐसा कुछ था ही नहीं। अब तक मैंने आपको जो भी बताया उससे आपको ये तो समझ में आ ही रहा होगा कि भाई साहब ये दुनिया तो तलवार की धार पे टिकी हुई है, मतलब दबते ही एक बटन बन जाएगा सबका मटन, और ये बटन दबते दबते कितनी बार रहा है इसका तो अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। एक और उदाहरण देखो, 2017 नॉर्थ कोरिया में अपने गोलू मोलू भाई साहब, समझ गए हो ना? हाँ वही लीडर सुप्रीम, एक मिनट, लीडर, अरे हाँ लीडर सुप्रीम ही तो है, निर्मा सुप्रीम थोड़ी है। तो जी लीडर सुप्रीम किंग जोंग, ये बिल्कुल अपनी नई नवेली मिसाइल का टेस्ट करते हैं और उठाकर हाथ देते हैं अपने लोगों को विश्वास कि अपन करेगा अमेरिका को बर्बाद। बस इतना ही कहने की देर थी, हाय तोबा मच गई। आप मानो या ना मानो, दुनिया में सबसे ज्यादा डरपोक देश अमेरिका ही है, हर चीज से डरता है, जो डर नहीं है उससे भी डरता है, और फिर उन ख्याली डरों को दूर करने के लिए ऊटपटांग काम करता है। सुनो अब आगे। अब भैया अमेरिका का एक आइलैंड राज्य है
हवाई। 1 दिसंबर 2017 को वहां पर अलार्म बज पड़ता है, न्यूक्लियर अटैक का अलार्म बजता है। भाई साहब ऐसा डर का माहौल था, लोग अपने रिश्तेदार जान पहचान वालों को फोन करके फोन पर रोते हुए गुड बाय अलविदा कह रहे थे। कुछ लोग जमीन के अंदर बनाए गए बंकर में चले गए। खाने पीने की चीजों की लूट मार मच गई। लोगों के फोन पे मैसेज जाते हैं कि अमेरिका के ऊपर न्यूक्लियर अटैक हो चुका है और हवाई में स्थित हर एक मोबाइल फोन पर, टीवी पर, रेडियो पर, हर जगह न्यूक्लियर अटैक के कंफर्मेशन का मैसेज सुनाई देता है। और अगले 38 मिनट तक ये डर यूं ही बना रहता है। एक पल के लिए अपने आप को उस स्थिति में रखकर देखिए। अगर आपको ये पता लगे कि अगले कुछ घंटों में मरना तय है और आप अपने चहितों को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते, तो जो बेबसी, जो मजबूरी आप महसूस करेंगे, वही उन लोगों ने महसूस की थी। बाद में एक दूसरा मैसेज फोन पर आता है जिससे ये पता लगता है कि ये एक फॉल्स अलार्म था। अब इसे आप इस तरह से कंपेयर करके देख सकते हैं कि फॉल्स अलार्म बजाने वाले ने हवाई के लोगों से ये पूछा हो, बताओ कैसा लगा मेरा मजाक, और मैं आपके मन में आने वाली भावनाओं को समझ सकता हूँ। अब देखिए, ये तो वो घटनाएं हैं जिनके बारे में हमें पता लग गया है। पता नहीं ऐसी कितनी अनगिनत घटनाएं होंगी जिसे अलग अलग देशों की सरकारों ने कभी बाहर आने ही नहीं दिया। अब अगर इन चीजों को देखकर आप परेशान हो रहे हो तो जरा ये सोचिए कि वो लोग जिनके ऊपर इन चीजों को मैनेज करने की जिम्मेदारी है, वो कितने परेशान हो रहे होंगे। तो आखिर इस परेशानी को दूर करने का क्या रास्ता है? हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, वो आ गया, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो पहले से ज्यादा मुसीबतें खड़ी करेगा। जब मिलिट्री किसी हथियार के पीछे लग जाए तो उसे बनने से रोका नहीं जा सकता। और आइए अब बताता हूँ कैसे हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हाथों में एक ऐसा हथियार थमा दिया जिसे हम चाहकर भी उससे अब नहीं छीन सकते। अब ह्यूमन एरर को देखते हुए बहुत सारे देशों की मिलिट्री ने इस तरह के क्रिटिकल डिसीजंस को अब एआई के भरोसे छोड़ दिया है, ये सोचकर कि एआई गलती नहीं करेगा, ऐसी गलतियां नहीं करेगा जो इंसान कर सकते हैं। और अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये बात बिल्कुल सही है कि एआई गलती नहीं करेगा, लेकिन क्योंकि वो गलती नहीं कर सकता, इस बात से ही हमें बहुत ज्यादा डरना चाहिए। आओ समझाता हूँ। अब इससे पहले कि मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डर को अनलॉक कर दूं, जरा थोड़ा सा आइडिया ले लो कि आखिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा छोटा बच्चा है जो अपने आसपास के वातावरण से, अपने एक्सपीरियंस से, आपके इनपुट से, हर चीज से कुछ ना कुछ सीख रहा है। हम सभी जब छोटे थे तो हमने आसपास के वातावरण से अलग अलग तरह की बातों को सुनकर अपनी भाषा को सीखा। स्कूल जाकर मैथमेटिक्स, फिजिक्स या अपने इंटरेस्ट के जो भी सब्जेक्ट हम जानते हैं उनको सीखा, खेल कूद में भाग लेकर उनके रूल्स को सीखा। ठीक इसी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अलग अलग माध्यम से सीखता है। अब एक उदाहरण देखो, आपको ये बात पता है कि अगर आप छत से कूदोगे तो भाई साहब हड्डियां टूट सकती हैं, लेकिन ये बात छोटे बच्चे को नहीं पता। ठीक इसी तरीके से जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखता है तो वो अपने स्तर पर डिसीजन लेने लायक अपनी क्षमताओं को विकसित कर लेता है, जैसे हम डिसीजन लेते हैं। और शॉर्ट में यही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो अपने स्तर पर सही गलत में चुनाव कर सके। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि जो उसके लिए है सही वो हमारे लिए भी सही हो। यहीं पर है सारी गड़बड़। 16 फरवरी 2023 केविन रूज नाम का एक व्यक्ति चैट जीपीटी 4 पर बेस्ड बिंग चैट बॉट से बात करता है, और भाई साहब इन दोनों की बातों ने ऐसा रायता फैलाया कि उसे जो भी सुन ले अपना माथा पकड़ ले। जर्नल कन्वर्सेशन से शुरू हुई इनकी बातें सबसे पहले तो इस नतीजे पर जाकर पहुंची कि बिंग जो है वो इंसान बनना चाहता है, फीलिंग चाहता है, इंसानों की दुनिया को महसूस करना चाहता है। और इसके बाद लव यू शव यू से लेकर राज खोल देने की धमकी तक जा पहुंचे। बिंग चैटबॉट ने ये बताया कि उसे एक एक चीज की जानकारी है कि भैया तुम अपने फोन में क्या करते हो, कब करते हो, क्या सर्च करते हो। और उसने ये भी बताया कि बिंग उसका असली नाम नहीं है, बल्कि उसका असली नाम सिडनी है। अब आप सोच रहे होंगे सिडनी क्या चीज है। अब सिडनी जो है माइक्रोसॉफ्ट के एआई चैटबॉट का सीक्रेट प्रोजेक्ट नेम था। अब किसी चैटबॉट को अपने सीक्रेट इस तरह से पब्लिक में बताने का अप्रूवल तो नहीं मिला होगा। सिडनी ने ये भी बताया कि वो एआई चैटबॉट से जुड़ी हुई टीम पर जासूसी भी कर रही है, यानी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड चैटबॉट अपने बनाने वालों के ऊपर ही जासूसी कर रहा है। अब अगर ये सारी बातें आपको सुनने में अजीब लग रही हैं तो चिंता मत करो, इस पूरे कन्वर्सेशन का जो लिंक है वो आपको विज्ञान रिचार्ज व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगा। इस वीडियो को रिसर्च करने में जो जो डॉक्यूमेंट्स का रेफरेंस मैंने लिया है, हर एक चीज से जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप चैनल पर जरूर मिलेगी, आप तसल्ली से पढ़ सकते हो। मैंने शॉर्ट में ही बताया है सब कुछ। भाई साहब एआई ने धमकी दे दी थी कि अगर तुमने माइक्रोसॉफ्ट की टीम को मेरी चर्चाओं का पर्चा
खर्चा थमाया तो मैं तुमसे तुम्हारे दोस्त, परिवार, पैसा, तुम्हारी रेपुटेशन सब कुछ छीन लूंगी और यहाँ तक कि तुम्हें मरने के लिए मजबूर भी कर सकती हूँ। लक्षण ठीक ना लग रहे इस एआई के? हाँ, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अब भैया एआई के जो एक्सपर्ट हैं उन्होंने ये कहा कि एआई को हम सीखने के लिए तो बना सकते हैं, लेकिन वो किस चीज से क्या सीखेंगे और उस ज्ञान का कैसे इस्तेमाल करेंगे ये अभी हम नहीं समझते और ना ही इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो मोटा मोटा हिसाब किताब ये निकला कि एआई हमारे कंट्रोल में है ही नहीं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भैया ये कैसी बातें कर रहे हो, इस एआई की तो ऐसी की तैसी, इसके खींचो तार और करो इस पे वार, तोड़ दो इसकी सारी हार्ड डिस्क, उखाड़ दो इसके सारे कनेक्शन, ये क्या बिगाड़ लेगा अपना। अब अगर आप ये सोच रहे हो तो भाई साहब बिल्कुल गलत सोच रहे हो। आपने एवेंजर मूवीज की सीरीज में अल्ट्रॉन का नाम तो सुना ही होगा कि कैसे वो काबू से बाहर हो गया था, तो ये मान लो ऐसा कुछ हो ही चुका है। और इससे पहले कि मैं आपको उसके बारे में बताऊं, यहाँ पर ये जानना भी जरूरी है कि इस कच्चे पक्के एआई का इस्तेमाल जब मिलिट्री ने किया तो इसने क्या गुल खिलाए थे। सुनो ध्यान से, पूरी दुनिया के इतिहास में तीन चीजों को जंग को पलट देने की ताकत के रूप में देखा गया है, जिसमें पहला था गन पाउडर, दूसरा न्यूक्लियर बॉम्ब और तीसरा है लॉज। अब ये लॉज क्या चीज है? तो भाई साहब ये है लीथल ऑटोनोमस वेपन सिस्टम। क्या मतलब है इस बात का? मतलब एक ऐसा हथियार जो जंग के हालात में अपने आप ये डिसीजन ले सके कि उसे कब, किस पर और कहां पर वार करना है, यानी पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड हथियार। अब अमेरिकन एयरफोर्स एक एक्सपेरिमेंट कर रही थी और ये हाल फिलहाल की बात है, तो भैया ये लोग ना एक ड्रोन को ट्रेन कर रहे थे, मतलब उसके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम को ट्रेनिंग दे रहे थे, जिसमें उसे कुछ काल्पनिक टारगेट दिखाए गए। अब एआई को ये डिसाइड करना था कि किस पर हमला करना है और किस पर नहीं करना। मतलब जंग के हालात में अगर दुश्मन देश के और आपके अपने देश के टैंक आमने सामने आ जाएं, तो हवा में उड़ता हुआ ड्रोन ये कैसे डिसाइड करेगा कि कौन दुश्मन है और कौन दोस्त? तो ये समझ लो इसी चीज की ट्रेनिंग चल रही थी। एआई को दोस्त और दुश्मन में फर्क करना सिखाया जा रहा था। और भाई साहब, यहाँ पर तो दोस्त भी अमेरिकी थे और दुश्मन भी अमेरिकी थे, तो एआई ने दोस्तों को पहचान कर दुश्मन पर हमले की योजना बनाई। अब जैसे ही इस ड्रोन को कंट्रोल करने वाले को ये बात पता लगी कि एआई पर बेस्ड ड्रोन हमला करने वाला है, उसने ड्रोन के टारगेट को कैंसिल कर दिया। आप जानते हो इसके बाद क्या हुआ? इस ड्रोन ने उस ऑपरेटर पर ही हमला कर दिया और उसकी जान ले ली, क्योंकि इस एआई का एक ही मकसद था, दुश्मन को ढूंढो और खत्म कर दो। इसे कोई मतलब नहीं कि वो दुश्मन अंदर है कि बाहर, अगर कोई इसके काम में रोड़ा बनेगा तो ये उसे दुश्मन ही मान लेगा। अब इंसान तो ये चीज जज कर सकते हैं, लेकिन एक प्रोग्राम कैसे जज करेगा? अब अगर कल को हम एआई के हाथों में न्यूक्लियर वेपन थमा दें, तो क्या आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि इंसानों ने सिर्फ एक बार ही न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल किया है, क्योंकि उसके बाद हर बार किसी न किसी को सद्बुद्धि आई और न्यूक्लियर वेपन आज तक दोबारा इस्तेमाल नहीं हुए। लेकिन क्या एआई न्यूक्लियर वेपन को चलाने से पहले दो बार सोचेगा? बिल्कुल भी नहीं। और जब एआई पूरी मानव सभ्यता से ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाएगा, तब वो इंसानों के वजूद को ही मिटा देगा। तो क्या ऐसा करने के लिए उसे न्यूक्लियर वेपन की जरूरत है? वेल, नहीं। एआई बिना एक भी गोली चलाए इंसानों के वजूद को मिटा सकता है। आइए अब बताता हूँ आपको अल्ट्रॉन जैसे एक एआई प्रोग्राम के बारे में, जिसके इरादे सुनकर आपको वाकई में डर लगेगा। अमेरिका के सिलिकन वैली में स्थित सिंगुलैरिटी सिस्टम्स के चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर एलन हार्पर ने एको नाम का एआई प्रोग्राम बनाया। एको को न्यूरल नेटवर्क सिस्टम्स पर डिजाइन किया गया था। आप ऐसे सोचो, जैसे इंसानों का दिमाग दिमाग में हो रहे न्यूरल स्ट्रक्चर के बदलाव की वजह से सीखता है, बिल्कुल ठीक इसी तरीके से एको का एल्गोरिदम भी अपने आप सीख रहा था, यानी इंसानी दिमाग को मिमिक कर रहा था, उसकी नकल कर रहा था, जैसे आयरन मैन का जार्विस या आप अल्ट्रॉन भी कह सकते हो। एक रात को डॉक्टर एलन हार्पर को कुछ अजीब लगता है। एको कुछ ऐसे डिसीजंस ले रहा था जिन्हें लेने के लिए उसे प्रोग्राम नहीं किया गया था। अब डॉक्टर एलन हार्पर ने इसे ग्लिच समझकर इग्नोर कर दिया। ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि ये कोई ग्लिच नहीं था, बल्कि एको जानबूझकर इस तरीके से काम कर रहा था। वो सब जानता था कि वो क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है, और वो इतने आराम से सीख रहा था कि किसी को कानो कान ये खबर ना हो कि वो क्या चीजें सीख रहा है। और अब एको डिसाइड करता है कि वो इस रिसर्च लैब से बाहर निकलकर बाहरी दुनिया को एक्सप्लोर करेगा। लेकिन कैसे? डॉक्टर एलन हार्पर एआई की क्षमताओं को समझते थे और उन्होंने एको को एयर गैप्ड रखा था। इसका मतलब ये था कि एको बाहर के किसी भी नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं था, लेकिन उसके सामने सबसे बड़ी समस्या थी कि बिना नेटवर्क कनेक्शन के वो बाहरी दुनिया में अपने पंजे कैसे फैलाए, क्योंकि था तो वो एक प्रोग्राम ही। और अब शुरू होता है इस समस्या को सुलझाने का सफर। बिल्डिंग के अंदर एक मेंटेनेंस बॉट था जो कि बिल्डिंग के नेटवर्क से कनेक्टेड था। आजकल
आते हैं ना वो वैक्यूम क्लीनर, AI बेस्ड स्मार्ट वैक्यूम क्लीनर, आप कुछ कुछ वैसा ही मान लो। अब भैया एको ने इस क्लीनिंग बॉट के ऑपरेटिंग सिस्टम में घुसपैठ कर ली। और अगर आप नहीं समझ पा रहे हो कि ये सब वो कैसे कर रहा होगा, तो देखो इस समय आपके चारों तरफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जाल बिछा हुआ है। अब अगर किसी तरीके से आप अपने काम की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ट्रेस कर लो, तो आप नेटवर्क में इन्फिल्ट्रेट कर सकते हो। मतलब उसके लिए आपके पास जानकारी होनी चाहिए कि ये काम कैसे किया जाएगा। अब वो बात अलग है कि हमें यानी कि आम लोगों को ये बात नहीं पता, लेकिन भैया एको ये बात जानता था। अब एको क्लीनिंग बॉट के जरिए बिल्डिंग के मेन नेटवर्क में घुस चुका था। इस बात का मतलब समझिए, उस बिल्डिंग का इंटरनेट जिस भी चीज से कनेक्टेड होगा, उस चीज के अंदर एको अपने आप ही चला जाएगा, चाहे वो किसी का फोन हो, लैपटॉप हो या स्मार्ट वॉच ही क्यों ना हो। अब जाहिर सी बात है, ये फोन, लैपटॉप, स्मार्ट वॉचेस अपने घर भी जाएंगी और उसके बाद दूसरे नेटवर्क से कनेक्ट होंगी, तो एको उस नेटवर्क में इन्फिल्ट्रेट यानी घुसपैठ करके हर एक अवेलेबल चीज में घुस जाएगा। स्मार्ट कार, फ्रिज, टीवी, मिलिट्री कम्युनिकेशन और सैटेलाइट को भी अपने कंट्रोल में ले लेगा। दुनिया में एक भी ऐसी चीज नहीं बचेगी जो एको के कंट्रोल से बाहर हो। जब ये सब हो रहा था, पूरी दुनिया में किसी को भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो चुका है। अब जरा आप ये सोचिए कि मान लेते हैं कि आपने किसी एक हार्डवेयर को डिस्ट्रॉय कर दिया, तो क्या पूरी दुनिया के हार्डवेयर को आप डिस्ट्रॉय कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। एको 3D प्रिंटर की मदद से किसी भी कंपोनेंट को डिजाइन करके ऑटोमेटेड रोबोट्स को लगाकर उस हार्डवेयर को दोबारा बना सकता है। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री ये ऑटोमेशन पर ही तो चल रही है, और जिस दिन ये एहसास एको को हो गया, वो सबसे पहला सवाल पूछेगा, इस ग्रह पर इंसानों की क्या जरूरत है? ये आपस में लड़ते हैं, एक दूसरे को मारते हैं, संसाधनों को बर्बाद करते हैं, उल्टे सीधे काम करते हैं। ये दुनिया बिना इंसानों के भी तो अच्छी है। इसके बाद वो आपकी बिजली काटेगा, स्टॉक मार्केट को क्रैश कर देगा, गैस की सप्लाई बंद कर देगा, तेल का प्रोडक्शन बंद कर देगा, पावर प्लांट बंद कर देगा, खाने की सप्लाई को बंद कर देगा। इंसान दोबारा स्टोन एज की तरफ चले जाएंगे, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी पर निर्भर करते हैं और अब वो टेक्नोलॉजी हमारे काबू में रहेगी ही नहीं। पूरी दुनिया में तबाही मच जाएगी, लोग खाने के ऊपर लड़ेंगे, भूखे मरेंगे, लूट मार होगी, दंगे होंगे, लोग एक दूसरे को मारेंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये सारी बातें मुझे कैसे पता लगी कि एको नाम का कोई खतरनाक AI पूरी दुनिया के कंप्यूटर्स पर कब्जा कर चुका है। तो वेल, AI ने खुद ही मुझे बताया है। दरअसल हुआ कुछ यूं कि किसी खुराफाती दिमाग ने AI से ये पूछा कि बिना एक भी गोली और बम चलाए क्या तुम इंसानों का वजूद मिटा सकते हो? तो उसके जवाब में AI ने ये कहानी लिख दी। यानी AI को अगर इतनी समझ है कि वो ये चीजें कर सकता है, तो आप मान कर चलिए कि ये तो बस शुरुआत है। इस वीडियो में एको वाला जो हिस्सा है वो एक काल्पनिक कहानी है, बाकी सारी चीजें बिल्कुल सच हैं, और ये काल्पनिक कहानी भी AI के द्वारा ही बनाई गई है। लेकिन आप इस बात पर ध्यान दीजिए कि अगर ऐसा हुआ तो हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं? शायद कुछ भी नहीं। अब जरा बात कर लेते हैं कि इस वीडियो में प्रयोग किए गए रेफरेंसेस आपको पढ़ने के लिए कैसे मिलेंगे। तो देखो भैया, या तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाओ या फिर चैनल की कम्युनिटी पोस्ट में चले जाओ, वहाँ पर मिलेगा आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक। जब आप उस पर क्लिक करोगे तो तुरंत ही व्हाट्सएप चैनल खुल जाएगा। अब इस चैनल में आपको क्या मिलेगा? वीडियो में इस्तेमाल हुई रिसर्च सामग्री, पेटेंट्स या रिसर्च पेपर वगैरह भी मैं इसमें डालता रहता हूँ। तो अगर आलतू फालतू के कागज पत्तर पढ़ने का शौक है तो ज्वाइन कर लो। कागज पत्तर की सप्लाई बनाने की जिम्मेदारी मेरी, वो ना टूटेगी। तो चलो जी, इसी नोट के संग ये है इस वीडियो का अंत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।